योगी राज्य में कांप रहा आतंक, 22,000 से ज्यादा अपराधियों का साम्राज्य ध्वस्त, 1584 करोड़ की संपत्ति पर अब गरीबों का हक, कभी गरीबों की हथिया ली गई थी जमीन, अब वहीं बनेगा गरीबों का आवास, कभी आतंकियों ने रुलाया था योगी को, अब जेल में खुद रो रहे हैं। आतंकियों के खिलाफ योगी के बुलडोजर की चर्चा सबकी जुबान पर। आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है, मैं हूं राकेश सिंह। उत्तर प्रदेश में गुंडे या तो जेल के अंदर हैं या फिर उनका राम नाम सत्य हो गया है। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भरी सभा में ये बातें कही थीं, तो सिर्फ लोगों की तालियां बटोरने के लिए नहीं, बल्कि इसमें पूरी सच्चाई भी थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जैसे ही उत्तर प्रदेश की कमान संभाली, उन्होंने अपराध को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलने का ऐलान कर दिया। आज उत्तर प्रदेश का हर आम पसंद लोग इस सच से वाकिफ हैं कि अपराधी या तो जेल के अंदर हैं या फिर प्रदेश के बाहर कहीं मुंह छुपा कर बैठे हैं। आज से लगभग 4 साल पहले तक उत्तर प्रदेश की स्थिति इसके बिल्कुल उलट थी। राज्य सरकार के हुक्मरान अपराधियों का स्वागत मेहमान की तरह करते थे, उन्हें दुलार पुचकार मिलता था, वे राज्य की दिशा और दशा तय करते थे। उत्तर प्रदेश के लगभग 2 दर्जन जिले पूरी तरह से अशांत हो गए थे। मऊ, आजमगढ़, अलीगढ़, सहारनपुर, बदायूं, मेरठ, सरीखे जिलों में अगर साल 6 महीने के अंदर सांप्रदायिक सौहार्द नहीं बिगड़ता था तो आश्चर्य होता था। अपराधियों का मनोबल कितना बढ़ा हुआ था, आप इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि 2014 के चुनाव प्रचार में अपराधियों ने मऊ में नरेंद्र मोदी को निशाने पर लेने की पूरी योजना बना ली थी। वो तो समय रहते सुरक्षा एजेंसियों के चौकस रहने के कारण कोई अघटन नहीं हुआ। मऊ, आजमगढ़, अलीगढ़, बरेली, सहारनपुर में तो सभी लोगों का सड़कों पर निकलना मुश्किल हो गया था। यहाँ के एक खास तबके के दुकानदार हर समय दहशत में भी रहते थे। आए दिन सुनने में आता था कि दंगा हो गया है, आज यहाँ कल वहाँ, आए दिन बलात्कार, हत्या, लूट, डकैती की खबरें चिल्ला चिल्ला कर कानून व्यवस्था की पोल खोल रही थीं। उत्तर प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता था कि राज्य का माफिया कौन है। माफियाओं का रुतबा इतना बढ़ गया था कि उन्हें खुश करने के लिए कशीदे काढ़े जाते थे, उनकी बाहुबल की गाथाएं उनके समर्थक चटखारे लेकर सुनाते थे। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में अपराधियों की खैर नहीं है। योगी सरकार में अपराधियों के शिकंजों में बंद होने, कुछ की सांसें थमने और बाकी के ठंडे पड़ते लहू पर आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह की विशेष पेशकश। गाजीपुर जिला से 20 किलोमीटर दूर है यूसुफपुर मोहम्मदाबाद, यहीं के रहने वाले हैं मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी। मुख्तार अंसारी के नाम से लोग कांपते थे। गाजीपुर, मऊ, बलिया, आजमगढ़ और वाराणसी के किसी कारोबारी या ठेकेदार के पास उसका या उसके गुर्गों का फोन चला जाता था तो लोगों के दिल की धड़कन बढ़ जाती थी। उससे मिलने के लिए लोग संपर्क सूत्र ढूंढने लगते थे। पूर्वांचल में इस नाम का खौफ इस कदर था कि उन इलाकों की सड़कें भी बनने से इनकार कर दिया करती थीं। इसे अगर देखना हो तो आप यूसुफपुर से करमुद्दीनपुर की तरफ सड़क मार्ग से जाइए। 30 साल से भी अधिक वक्त हो गया, कोई भी सरकार या प्रशासन उस सड़क को बनवा नहीं सका। आज भी वो सड़क उसी हालत में है। किसी भी ठेकेदार या प्रशासन की हिम्मत नहीं है कि वो बगैर रंगदारी दिए काम शुरू करवा दे, और रंगदारी भी इतने की सड़क क्या, पगडंडी बनाने के लिए भी पैसे नहीं बचेंगे। ये सड़क आज भी मुख्तार के आतंक के गड्ढों से भरी पड़ी है। गांव वाले कहते हैं, कायदा ना कानून सही, मुख्तार जो परसेंटेज मांगे वही सही। गाजीपुर से ही मुख्तार का भाई अफजाल अंसारी सांसद हैं। कृष्णानंद राय का नाम पूर्वांचल में कौन नहीं जानता था। जो भी नहीं जानता था वो AK-47 की 500 राउंड गोलियों की तड़तड़ाहट से जान गया था। वो साल 2005 की 29 नवंबर की शाम थी।
कृष्णनंद राय भावरकोला ब्लॉक के सियाड़ी गांव में आयोजित एक स्थानीय क्रिकेट प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। वो मैच का उद्घाटन कर जब अपने गांव वापस आ रहे थे, तभी बसनिया चट्टी के पास पहले से घात लगाए आतंकियों ने उनके काफिले पर ऑटोमेटिक राइफल AK-47 से गोलियों की बौछार कर दी। कृष्णानंद रॉय के काफिले पर करीब 500 राउंड गोलियां दागी गई थीं। पूरा इलाका थरथरा गया था। पहले हर तरफ धुआं धुआं और उसके थोड़ी देर बाद धरती खून के छींटों से सन गई थी। विधायक कृष्णानंद रॉय समेत कुल 7 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। मारे गए 7 लोगों के शरीर से कुल 67 गोलियां निकाली गई थीं। कृष्णानंद रॉय बुलेट प्रूफ गाड़ी से चलते थे, लेकिन हमला वाले दिन वो नॉन बुलेट प्रूफ गाड़ी से जा रहे थे। इस बात की जानकारी आतंकियों को पहले से ही थी। मुख्तार अंसारी की एक खास रणनीति होती थी, जब भी बड़ा कांड होने वाला होता था वो किसी केस में जेल में बंद हो जाता था। इस हत्याकांड के समय भी मुख्तार अंसारी जेल में बंद हो गया था, लेकिन इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड वही था। इस हत्याकांड में अफजाल अंसारी, माफिया टॉन मुख्तार अंसारी, टॉन मुन्ना बजरंगी, अताउर रहमान उर्फ बाबू, संजीव महेश्वरी उर्फ जीवा, फिरदौस राकेश पांडे उर्फ हनुमान, मोहम्मदाबाद नगर पालिका चेयरमैन इजाजुल हक सहित अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया था। दरअसल 2002 में कृष्णानंद रॉय मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट से हराकर विधायक बने थे। कृष्णानंद रॉय ही वो शख्स थे जिन्होंने 2002 में अफजाल अंसारी को हराकर भाजपा का उस सीट से खाता खोला था। हत्याकांड के विरोध में लगभग एक पखवारे तक गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, वाराणसी में आंदोलनों का दौर चलता रहा। कृष्णानंद रॉय की हत्या के बाद आंदोलन की कमान भाजपा नेता राजनाथ सिंह संभाले हुए थे। तत्कालीन सपा की मुलायम सरकार इस हत्याकांड की जांच प्रदेश की एजेंसी से करवाना चाहती थी और भाजपा CBI से जांच करवाने पर अड़ी हुई थी। राजनाथ सिंह हत्या की जांच CBI से करवाने के लिए वाराणसी जिला मुख्यालय में आमरण अनशन पर बैठ गए। अटल बिहारी वाजपेयी खुद वाराणसी पहुंचे और न्याय यात्रा को रवाना किया। अटल बिहारी ने यहां तक कह दिया था कि अब यूपी में निर्णायक जंग होगी, हत्याओं का तांता लग गया है, जंगल राज हो गया है, जान की कोई कीमत नहीं रह गई है, ये सरकार रहेगी तो हत्याएं होती रहेंगी, अब परिवर्तन का समय आ गया है। इस हत्याकांड ने गाजीपुर के राजनीतिक मंजर को बदल डाला था। इस हत्याकांड के बाद स्वर्गीय राय की पत्नी अलका राय मोहम्मदाबाद सीट पर हुए उपचुनाव में MLA बन गईं। मुख्तार के बड़े भाई अफजाल ने विधायकी लड़ना बंद कर सांसदी लड़ना शुरू कर दिया। वर्तमान में भी मोहम्मदाबाद सीट से स्वर्गीय कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय विधायक हैं। ये किस्सा तो सत्ता और माफिया के गठजोड़ का ट्रेलर मात्र था। मुख्तार का आतंक इस कदर था कि कृष्णानंद रॉय की हत्या के बाद उनके 5 दर्जन से अधिक कट्टर समर्थकों ने इलाका छोड़ दिया था। डर के मारे उनके समर्थकों ने अपने सिर की टिक्की कटवा ली थी। बता दें कि कृष्णानंद रॉय के समय में उनके कट्टर समर्थकों ने टिक्की रखी थी, यही उन लोगों की पहचान बन गई थी। रॉय की हत्या के बाद मुख्तार के गुर्गों ने उन समर्थकों को चुन चुन कर मारना शुरू कर दिया, लिहाजा वे इलाका छोड़ पलायन कर गए। अपराधियों की एक तरह से पूर्वी उत्तर प्रदेश में समानांतर सत्ता के बाद लोगों के लिए सुखद सवेरा आया। पहले 2014 के चुनाव में भाजपा केंद्र में सत्ता में आई और उसके बाद 2017 के विधानसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन हो गया। भाजपा बहुमत में आई और राज्य की कमान योगी आदित्यनाथ के हाथों सौंप दी गई। मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालते ही आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश से अपराध खत्म करने का बीड़ा उठाया। इसके तहत मुख्यमंत्री ने मिशन जीरो टॉलरेंस के तहत गैंगस्टर एक्ट शुरू किया। योगी के वार से अपराधियों की कमर टूटने लगी। एक एक अपराधी जेल की सिखंचों में जाने लगा। जिनकी तहार से लोग कांपते थे वे जेल के अंदर रो रहे थे। जिनका सूर्य कभी अस्त नहीं होता था, अब उन्हें लगता है कि वे जेल में ही सड़ जाएंगे। आतंक की बदौलत माफियाओं ने अकूत संपत्ति बना ली थी, हड़प ली थी। अब समय था उन अपराधियों की संपत्ति को जब्त
ध्वस्त करने का। उत्तर प्रदेश की सड़कों पर बुलडोजर काफी संख्या में दिखाई पड़ने लगा। अपराधियों की सूची तैयार की गई और योजनाबद्ध तरीके से कार्य को अंजाम दिया जाने लगा। योगी के दिमाग में एक और प्लान था जो शायद अब धरातल पर उतर रहा है। माफियाओं की जब्त की हुई संपत्ति से गरीबों, दलितों, जरूरतमंदों का विकास करने का। योगी के एक्शन के साथ ही माफिया मुख्तार अंसारी गैंग के 244 सदस्यों पर आजमगढ़, मऊ, वाराणसी में कार्रवाई शुरू की गई। इस कार्रवाई में मुख्तार अंसारी गैंग के 1,94,82,67,859 रुपए की संपत्ति ध्वस्त जब्त की गई। करीब 158 अपराधी गिरफ्तार किए गए, 122 असलहों के लाइसेंस निरस्त किए गए, 110 अपराधियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट, 30 के खिलाफ गुंडा एक्ट और 6 पर NSA के तहत कार्रवाई की गई। मऊ, जहां मुख्तार का एक छत्र राज हुआ करता था, उस राज में घुसकर जो प्रहार योगी सरकार ने किया है, उस इलाके की धराशायी इमारतें उसके आतंक के अंत की ओर इशारा कर रही हैं। अभी हाल ही में मुख्तार को पंजाब के रोपड़ जेल से उत्तर प्रदेश के बांदा जेल में लाया गया। ये पहला अवसर था जब उत्तर प्रदेश जेल में आने से मुख्तार अंसारी कांप रहा था। रोपड़ जेल में उसे मेहमान का दर्जा मिला हुआ था और जेल के अंदर वो मंत्री की सुविधाओं का भोग कर रहा था। आतंक मिटाओ अभियान के तहत माफिया अतीक अहमद एवं उसके नवासी गुर्गों पर प्रयागराज क्षेत्र में की गई कार्रवाई में अब तक 3,25,87,00,000 की संपत्ति जब्त ध्वस्त की गई है। अतीक गैंग के 60 सदस्यों के असहले निरस्त हुए। गैंग के खिलाफ 21 मुकदमे दर्ज कर 9 को जेल भेजा गया। 11 अपराधियों के खिलाफ गुंडा एक्ट और 1 के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। माफिया सुंदर भाटी गैंग के 9 सदस्यों पर की गई कार्रवाई में 63,24,53,000 की संपत्ति जब्त ध्वस्त की गई। इस गैंग के 4 शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर 3 को जेल भेजा गया और 2 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई। माफिया कुंटो सिंह गैंग के 43 सदस्यों के खिलाफ हुई कार्रवाई में 20 मुकदमे दर्ज कर 43 की गिरफ्तारी हो गई है। कुंटो सिंह गैंग के 4 सदस्यों के खिलाफ गुंडा एक्ट, 24 के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। इस गैंग की 17,91,96,000 रुपए मूल्य की संपत्ति जब्त ध्वस्त की गई। उत्तर प्रदेश में 1 जनवरी 2020 से अप्रैल 2021 की अवधि के बीच गैंगस्टर एक्ट के तहत 5,558 केस दर्ज कर 22,259 अपराधियों की 11.28 अरब रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त की गई है। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश के 25 चिन्हित कुख्यात माफियाओं और उनके सहयोगियों की लगभग 702 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्तियां अब तक जब्त की जा चुकी हैं। अन्य अपराधियों और उनकी संपत्ति जब्ती की सूची काफी लंबी है। पुलिस ने चिन्हित 25 कुख्यात माफियाओं, उनके परिजनों और सहयोगियों के 250 से अधिक शस्त्र लाइसेंस भी निरस्त किए हैं। योगी सरकार के 4 साल से अधिक के कार्यकाल में गैंगस्टर एक्ट के तहत 1,584 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति, अवैध संपत्तियां जब्त ध्वस्त की गई हैं। माफिया का नया पता क्या है? जेल। गाजीपुर जिले के यूसुफपुर मोहम्मदाबाद निवासी मुख्तार अंसारी बांदा जेल। प्रयागराज जिले के खुलदाबाद निवासी अतिक अहमद सेंट्रल जेल साबरमती गुजरात। गौतम बुद्ध नगर जिले के कासना निवासी सुंदर भाटी उर्फ नेताजी हमीरपुर जेल। आजमगढ़ जिले के जीएनपुर निवासी ध्रुव कुमार सिंह उर्फ कुंटू सिंह बलिया जेल। लखनऊ जिले के हसनगंज निवासी ओम प्रकाश उर्फ बबलू श्रीवास्तव बरेली जेल। वाराणसी जिले के चौबेपुर निवासी ब्रजेश कुमार सिंह उर्फ अरुण कुमार सिंह वाराणसी जेल। अम्बेडकर नगर जिले के हंसवार थाना क्षेत्र निवासी खान मुबारक हरदोई जेल। बिजनौर जिले के सिवहारा थाना क्षेत्र निवासी मुनीर मंडोली जेल दिल्ली। गाजियाबाद जिले के लोनी निवासी अमित कसाना दिल्ली जेल। शामली जिले के आदर्श मंडी निवासी आकाश जाट गाजियाबाद जेल। मेरठ जिले के सरूरपुर निवासी योगेश भदौड़ा सिद्धार्थ नगर जेल। मेरठ जिले के सरूरपुर निवासी उद्धम सिंह आजमगढ़ जेल। बागपत जिले के पड़ौथ निवासी अजीत उर्फ हप्पू बरेली जेल। मुजफ्फरनगर जिले के रतनपुर निवासी सुशील उर्फ मूंछ कानपुर जेल। मुजफ्फरनगर जिले के कोतवाली निवासी संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा लखनऊ जेल।
गौतम बुद्ध नगर जिले के बादलपुर निवासी अनिल दुजाना उर्फ अनिल नगर गौतम बुद्ध नगर जेल, गौतम बुद्ध नगर जिले के ही तकनौर निवासी सिंहराज भाटी गोरखपुर जेल, गौतम बुद्ध नगर जिले के ही चारचा निवासी अंकित गुज्जर महाराजगंज जेल, वाराणसी जिले के कोतवाली निवासी सुभाष सिंह ठाकुर फतेहपुर जेल, गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद के उमेश राय उर्फ गौरा राय रामपुर जेल, गाजीपुर जिले के ही सैदपुर निवासी त्रिभुवन सिंह उर्फ पवन कुमार मिर्जापुर जेल, लखनऊ जिले के कैंट निवासी मोहम्मद सलीम फतेहगढ़ जेल, लखनऊ जिले के कैंट निवासी मोहम्मद सोहराब फतेहगढ़ जेल, लखनऊ जिले के ही कैंट निवासी मोहम्मद रुस्तम कानपुर जेल में बंद हैं। उत्तर प्रदेश में चल रहे काले कारोबार की सूची, माफियाओं के खिलाफ चल रही कार्रवाई में अवैध बूचड़खाना स्लॉटर हाउस के ध्वस्तीकरण पार्किंग ठेके की आड़ में अवैध वसूली पर लगाम, अवैध रूप से चल रहे मछली कारोबार पर रोक, सरकारी जमीनों को अवैध कब्जे से मुक्त कराने का सघन प्रयास, शूटरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना, गलत ढंग से काम कर रहे ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई, अवैध कोयला कारोबार में शामिल अपराधियों और उनकी संपत्ति की सूची काफी लंबी चौड़ी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि प्रदेश में अलग अलग माफियाओं से जो जमीन जब्त की गई है उस पर गरीबों दलितों और जरूरतमंदों के लिए मकान बनाए जाएंगे। ये बातें योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश करते वक्त कही थीं। अब 2022 का विधानसभा चुनाव सामने है और उत्तर प्रदेश के माफियाओं के भाग्य का फैसला भी 2022 में ही होना है। अगर योगी मजबूती से सत्ता में वापसी करते हैं तब तो मिशन जीरो टॉलरेंस की नीति और सख्त होगी, अन्यथा पूर्व की सरकारों में माफियाओं की कहानी तो सभी को जुबानी याद है। यहाँ के कुख्यात माफियाओं का चाल उत्तर प्रदेश ही नहीं पास के बिहार झारखंड और पश्चिम बंगाल के कमाऊ इलाकों तक में फैल गया था। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर लाइक करें। धन्यवाद।